हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं शुभम और आज की वीडियो में दोस्तों हम कैनन ईओएस 1500D की मून टेस्ट करने वाले हैं। गाइस, हम ये देखेंगे किस लेवल तक ये बजट DSLR चांद की फोटो क्लिक कर सकता है। सो लेट्स बिगिन। गाइस, फोटो क्लिक करने से पहले मैंने चांद की फोटो क्लिक करने के लिए कुछ मैन्युअली सेटिंग्स की है, मैं वो आपको बता देता हूं। गाइस, आप यहां देख सकते हो मैंने यहां पे शटर स्पीड 160 कर रखी है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहां पे अपर्चर 5.6 रखा है उसके, और ISO मैंने यहां पे 100 सेट किया है। गाइज, इसके बाद भी हम यहाँ पे शार्पनेस बढ़ा लेते हैं। हमें सिंपली यहाँ पे क्यू प्रेस करना है। क्यू प्रेस करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाना है, और स्टैंडर्ड में जाने के बाद गाइज हमें यहाँ पे ये शार्पनेस में जाने के बाद हमें यहाँ पे शार्पनेस पूरी तरह से बढ़ा लेना है ताकि चांद की और ज्यादा क्लियर फोटो निकल सके। गाइज, उसके बाद हम यहाँ पे सेट क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारी सेटिंग हो चुकी है पूरी तरह से सेट, और अब हम चांद की फोटो क्लिक करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो चांद यहाँ पूरी तरह से साफ निकल चुका है, आसमान पूरी तरह से साफ है दोस्तों, और अब हम फोटो क्लिक करते हैं। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूरी तरह से चांद के ऊपर जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों हमें ऑटो फोकस करना है चांद के ऊपर। दोस्तों जब तक ये कैमरा ऑटो फोकस नहीं कर लेता चांद पे, हमें ऑटो फोकस करते रहना है। तो ये रहा दोस्तों, ऑटो फोकस हो चुका है और मैं अब फोटो क्लिक करता हूँ। गाइज, मैंने फोटो क्लिक कर ली है और हम देखेंगे किस लेवल तक इसने फोटो क्लिक की है। ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ 1500D ने मेरे एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा अच्छी फोटो क्लिक की है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दोस्तों। ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पे इसने मेरे एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा अच्छी फोटो क्लिक की है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इसने नेक्स्ट लेवल की फोटो क्लिक की है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों सिर्फ यही एक DSLR नहीं, मैं आगे भी बहुत से DSLR के साथ अब वीडियोस बनाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।